यहाँ पर अब हमको समझना है कि पदार्थ के प्रकार कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के, तो पदार्थ के तीन प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि हम बोल सकते हैं भौतिक गुण धर्म के आधार पर या पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, जिनमें से एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। अगर ठोस की बात कर ले तो ऐसी वस्तुएं जो कठोर होती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम ठोस बोलते हैं। एक मेनली एक रफ आइडिया दे रहे, जैसे कि ये माउस हो गया, माउस को हम पकड़े हुए, ये कठोर होता है, ये आकार अपना नहीं बदलता है, तो ये क्या हो गया, ठोस हो गया। जैसे कि माउस बता दिया हमने, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, इसके अलावा ईंट हो गया तुम्हारा, मिट्टी भी ठोस होता है, चौक हो गया, ये ठोस होता है, ठीक है, तुम्हारा बुक भी ठोस है, तो ये सब ठोस है। दूसरी और बात क्या है द्रव के बारे में, तो पानी द्रव है, रक्त द्रव है, दूध द्रव है, पेट्रोल द्रव है, तो ये सारे द्रव के उदाहरण हैं। फिर बात करें गैस के, तो गैस के उदाहरण में ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सारे गैस के उदाहरण हैं। ये तो हुआ भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। बट अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं, तो फिर भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं यहां पर निकल के आती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमको ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है।